सो व्हाट्सअप यूट्यूब दोस्तों जो करता हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप बोलोगे सर ये आप कहाँ के बैठ गए हो, तो ये बेसिकली मेरा रूम है। अब आप बोलोगे सर जो उस रूम में आप शूट करते थे वो रूम कहाँ गया, तो उस रूम में हो गया है बल्ब फ्यूज़। तो सुबह सुबह बल्ब तो मिलेगा नहीं, अब बल्ब मैं ऑनलाइन मंगाऊँगा, अब ऑनलाइन आने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कमरे में आपको मैं शूट करके दिखा दूँ, तब तक वो बल्ब भी शायद आ जाए। तो बात करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक का वर्कआउट प्लान। तो मैंने उस पर पूछा था आप लोगों से कि मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक का वर्कआउट प्लान बनाऊं, तो बहुत लोगों ने बोला हाँ सर आप बनाओ, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया और फेसबुक पे भी डीएम आए, इंस्टाग्राम पे तो ढेर सारे मैसेज थे कि सर आप मंडे से लेकर सैटरडे तक का वर्कआउट प्लान बनाओ। तो ये बेसिकली है मंडे, और मंडे को ट्रेन करेंगे हम लोग लेग्स। तो यहाँ मैंने बताया आपको लगभग चार वर्कआउट के साथ सभी के रेपिटेशन होंगे 3, और जो रेपरेंजेस होंगे वो होंगे 10, 15, 20। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार कर पाते हो। मैंने केवल 10 किया है, फिर दोबारा भी 10 किया है, और तीसरी बार भी 10 किया है। तो कोशिश करो आप जो स्टार्ट करो तो 20 से शुरू करो, फिर 25 करो, फिर 40 करो। ये आपके स्टेमिना के ऊपर है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, बट ट्राई करिएगा ना कि आप हर सेट में अपना रेपिटेशन आप ज़रूर इंक्रीज़ करिएगा, ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिले। और ये वर्कआउट होगा लगभग 45 मिनट्स का। आप जब करोगे घर पे तो ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स आपको आसानी से लग जाएगा। ध्यान रखिएगा तो जितने घंटे आप वर्कआउट करोगे आपको उतना लीटर पानी आपको ऑलमोस्ट पी जाना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि जब आप लोग वर्कआउट करते हो तो बॉडी से थोड़ा स्वेटिंग होती है, तो पानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो उसको फिर से हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो जब भी आप वर्कआउट कर लो तो उसके 2-3 घंटे बाद जब ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ, जो भी आपका काम है, वहाँ पर एक डाब यानी कि नारियल पानी आप ज़रूर पी लेना। वो आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं उसको भी फिलअप कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जिसको आप ध्यान देना। फिलहाल तो मंडे का वर्कआउट है ये जो कि हम लोग करेंगे लेग्स ट्रेन। तो एक दिन में केवल एक ही बॉडी पार्ट हिट करना है, एक दिन में केवल एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि मंडे को मैंने लेग्स किया फिर शाम को मैंने आप चेस्ट लगाना, ये ज़रूरी नहीं है। अगर बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे तो बॉडी रिकवर नहीं होगी, अगर बॉडी रिकवर नहीं तो आपको प्रॉपर अमाउंट में रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना एक दिन में केवल एक ही वर्कआउट। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे का वर्कआउट जो कि है लेग्स। वर्कआउट है चार, रेपिटेशन है हमारे 3, और जो रेपरेंजेस होंगे हमारे होंगे वो 10, 20, 30। ये भी वैरी कर सकता है आपके स्टेमिना के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोस की। और हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ जो आज तक मैंने आपसे नहीं बोला वो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोज़ की। तो यहाँ पे जो पहली वर्कआउट है वो है स्क्वाट्स। नॉर्मल स्क्वाट्स करेंगे हम लोग लगभग 10-10 के 3 सेट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा, अगर आपको लगता है मेरा 10 से काम नहीं चलेगा तो फिलहाल मैं वीडियो बहुत लंबी ना हो इस वजह से केवल 10 ही बार कर रहा हूँ। तो स्क्वाट्स नॉर्मल पैरों में लगभग 1 फिट का गैप, हाथ यहाँ पे या यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, आपके अकॉर्डिंग जहाँ आप रखना कंफर्टेबल समझे। बैक स्ट्रेट 1, 2, 3, 4 पूरा नीचे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये था हमारा पहला सेट। सेम अब दूसरा सेट सामने से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा दूसरा सेट। चलिए लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये था हमारा पहला वर्कआउट। तो जो दूसरी वर्कआउट है वो है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट आपके हैमस्ट्रिंग को एंगेज करेगी, आपके हैमस्ट्रिंग टोन होंगे। तो पहला किया हम लोगों ने नॉर्मल स्क्वाट्स 10-10 के 3 सेट, अब करेंगे हम लोग सुमो स्क्वाट्स, ये भी सेम 10-10 के 3 सेट। अगेन पैरों में लगभग 2 से 2.5 फिट का गैप, जो आपका टो रहेगा वो आपका आउटर साइड में रहेगा, हाथ अगेन आप शोल्डर पे रख सकते हो।
स्टार्ट. फर्स्ट सेट 1, देन अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये था हमारा पहला सेट. आप चाहें तो बीच में 10 से 12 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं, पर बहुत ज़रूरी नहीं है. चलिए अब करेंगे अपना दूसरा सेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये था हमारा दूसरा सेट. चलिए अब करते हैं तीसरा और अंतिम सेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गया हमारा दूसरा वर्कआउट. ध्यान रखिएगा हर सेट आप बढ़ा के करेंगे. जैसे मैंने 10 किया, फिर 10 किया, फिर मैंने 10 किया, तो आप अगली पहली बार में 10, फिर 20, फिर 30. सेट ज़रूर बढ़ाते रहिएगा. चलिए करते हैं अब अपना तीसरा वर्कआउट. जो अब तीसरी वर्कआउट है वो है लंजेस. लंजेस कैसे करने हैं? पहले आपको राइट पैर पीछे, लेफ्ट आगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, from this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये था हमारा पहला सेट. अब करेंगे दूसरा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये था हमारा दूसरा सेट. अब करेंगे थर्ड एंड लास्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आप चाहें तो सॉक्स पहने, आप चाहें तो शूज पहने, आपका मन करे तो पहने, तो कोई कंपल्सरी नहीं है. थर्ड एंड लास्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये था हमारा तीसरा वर्कआउट जिसका नाम था लंजेस. अब बढ़ते अपने चौथे वर्कआउट की ओर. अब करेंगे आप लोग चौथी और अंतिम वर्कआउट. अवसर बोलेंगे आपकी, आप लोग बोलेंगे सर चार ही वर्कआउट, चारों का सेट आपको बढ़ाना है. और ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत लंबा ट्रेनिंग करना है तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है. आप इस वर्कआउट को लगभग एक वीक करिए, उसके बाद अगला मंडे आए जब तभी आप इसको ट्रेन करिए, तब जाके बॉडी प्रॉपर रेस्ट लेगी और बॉडी आपकी प्रॉपर रिकवर होगी. वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप बार बार एक ही मसल को बार बार ट्रेन करते रहेंगे तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा. जैसे आप, मैंने, हम लोगों ने किया अभी लेग्स,
तब ये अब एक हफ्ते तक रेस्ट करेगा, इसको ट्रेन नहीं करेंगे आप, नेक्स्ट मंडे ही ये अपने लेग्स को आप ट्रेन करोगे। चलिए करते हैं लास्ट चौथी और अंतिम वर्कआउट जो कि है स्क्वाट्स प्लस साइड किक। थोड़े से टफ है, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कम करिए लेकिन सॉलिड करिए। 1 2 3 गुड, 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया हमारा पहला सेट। ऐसे करने हैं आपको 3 सेट। हर सेट में मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेपिटेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। मैं केवल 10 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 10 ही करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने दूसरे सेट का। 1 2 गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हालत खराब हो जाएगी, बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेट। अब करेंगे तीसरा और अंतिम रेपिटेशंस। अभी मैं जिम से आ रहा हूँ, फिर दोबारा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए थर्ड एंड लास्ट। 1 kick 2 kick 3 kick 4 kick 5 kick 6 kick 7 kick 8 kick 9 kick 10 kick। तो ये थी हमारी चौथी वर्कआउट। अगर आपका इतने से भी मन नहीं बढ़ता है तो आप चाहें 5 सेट आप स्किपिंग नॉर्मल वाली लास्ट में वर्कआउट के बाद कर सकते हो। तो पानी ज़रूर पीते रहिएगा, वर्कआउट के बाद हालत कुछ ऐसी होगी, ऐसा वर्कआउट करिए जब निकलिए घर से बाहर तो आपको लगे कि आपको कोई ट्रक से आपको टक्कर मार दिया है। ये आपकी बॉडी की हाल होनी चाहिए, तब लगेगा आप कुछ खास वर्कआउट करके आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।